हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2023 एंड 24। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर या फिनेंशियल ईयर के टर्म्स में बात करें तो फिनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 जो कि करंट ईयर चल रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इनकम टैक्स का सीजन स्टार्ट हो गया, राइट ईयर भी जाने स्टार्ट हो गए हैं। तो कई लोगों ने अपना आईटीआर फाइल करवा भी लिया होगा, लेकिन कई लोगों ने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं करवाया। तो जिन्होंने अपना आईटीआर फाइल नहीं करवाया तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ड्यू डेट और उससे रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करते हैं कि यदि आपने अपना आईटीआर विद इन टाइम फाइल नहीं किया। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नॉन ऑडिट केस का जो आईटीआर फाइलिंग का ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2023 है, यानी कि ये जो इस महीने का लास्ट डेट है इसके अंदर आपको अपना आईटीआर फाइल करवा लेना है। अगर आप इस महीने के अंदर अपना आईटीआर फाइल नहीं करवाते तो इसके कंसिक्वेंसेस कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, सेक्शन 234F, उसके अंदर ये बोला गया है कि अगर आप विद इन टाइम रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उसके बाद अगर अपना रिटर्न फाइल करते हैं यानी कि बिलेटेडली अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस केस में अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे है तो उस केस में 1000 रुपीज का आपको लेट फीस देना पड़ेगा। वहीं अगर आपका इनकम 5 लाख से ऊपर है, टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर है, तो उस केस में क्या है कि आपको 5000 रुपीज तक का लेट फीस देना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए क्योंकि अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आईटीआर फाइल विद इन टाइम करवा लें। इसके अलावा अगर हम लोग और कंसिक्वेंसेस के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे लॉसेस है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करते विद इन टाइम अगर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आपका रिफंड बन रहा है तो वो रिफंड पे जो इंटरेस्ट है वो कम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आईटीआर फाइल अगर आप बिलेटेड फाइल करते हैं तो उस केस में अगर आपका टैक्स पेबल आ रहा है, अगर आपका कोई टैक्स पेमेंट आता है आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे, तो उस पर एडिशनल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234A के अंदर। तो ये सारे कंसिक्वेंसेस थे अगर आपने अपना आईटीआर विद इन टाइम फाइल नहीं किया। अब बात करते हैं ऑडिट केस में। ऑडिट केस का मतलब ये होता है कि जब आपका अकाउंट ऑडिट होता है, जब भी आपका अकाउंट आपका जो टर्नओवर है अपने बुक्स में वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, इवन कम भी रहता है, लेकिन आप पीटीएस के अंदर ऑप्ट नहीं करते, आप टैक्स ऑडिट करवाते हैं। जब आप टैक्स ऑडिट करवाते हैं तो जो टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट होता है वो 30 सितंबर अभी तक का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से है। और लेकिन वहीं अगर आईटीआर फाइलिंग का जो डेट है वो टैक्स ऑडिट के केस में 31 अक्टूबर हो जाता है। वहीं अगर नॉन ऑडिट केस का, अभी जैसे मैंने आपको बताया वो 31 जुलाई है, तो नॉन ऑडिट केस का जो आईटीआर फाइलिंग का डेट है वो 31 जुलाई है। वहीं ऑडिट केस का अगर हम लोग बात करें तो 31 अक्टूबर है। इसलिए आप जिस भी कैटेगरी के टैक्स पेयर हैं तो आप अपना टाइमिंग के हिसाब से देख लें और अपना आईटीआर फाइल करवा लें। तो ये वीडियो खासकर नॉर्मल लोगों के लिए है जिनके अकाउंट्स ऑडिट नहीं होता और उन्होंने अपना अपना अभी तक आईटीआर फाइल नहीं करवाया, तो 31 जुलाई लास्ट डेट है, इसके अंदर आप अपना आईटीआर फाइल करवा लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉई हैं जिसका जिनका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया 31 जुलाई तक, तो आपको क्या है कि आपका जो लेट फीस है वो 5000 रुपीज़ रहेगा। वहीं अगर आपका 5 लाख से नीचे टैक्सेबल इनकम आता है तो उस केस में आपका लेट फीस 1000 हो जाएगा। तो ये वीडियो खासकर उन टैक्स पेयर्स के लिए था जिन्होंने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया और वो करना चाहते हैं। तो इसी के अलावा अगर हम लोग देखें तो इसका बेनिफिट भी कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। अगर आप विद इन टाइम आईटीआर फाइल करते हैं तो कोई भी जितना भी रिफंड है उस पर जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा आपने आपको अगर कोई टैक्स पेबल है अगर, तो एडिशनल आपको कोई भी रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट नहीं पेमेंट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234A के अंदर। वहीं अगर लॉसेस का बात करें तो लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड और सेटअप कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये सारे बेनिफिट्स थे आईटीआर फाइलिंग के जो अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं विद इन टाइम। वहीं अगर हम लोग बात करें कि अगर आपने 31 जुलाई 2023 जो नॉन ऑडिट केस थे और ऑडिट केस में 31 अक्टूबर, अगर आपने इस टाइम लिमिट तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तब भी आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं, बशर्ते ये सारे कंसिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि लेट फीस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, या फिर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस और सेटअप से रिलेटेड जो है उसके बेनिफिट में थोड़े से कमी आ जाएंगे। तो समय रहते आप अपना आईटीआर फाइल करवा लें। और ये जो बिलेटेड फाइलिंग का जो डेट है फॉर असेसमेंट ईयर 2023 एंड 24 का, वो हो जाता है 31 दिसंबर, यानी कि इस ईयर के एंड तक आपको किसी भी तरह से अपना आईटीआर फाइल करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप फाइल करते हैं तो उसके लिए फिर आईटीआर यू का प्रोविजन आ जाता है, जो कि हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। थैंक यू वेरी मच।